दोस्तों, हमारे बर्ड्स के केज के अंदर मटकी का पानी बहुत ही गंदा हो गया था। अभी हम उसे चेंज कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं पानी भर लेता हूँ और मटकी फिर से उसके अंदर रख देता हूँ केज में। ये नल बंद कर दिया मैंने और अभी मैं लेके जा रहा हूँ कुंडी को और मैं अभी केज के अंदर इसे रख देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, मैंने यहाँ पानी रख दिया है मटकी का और बर्ड्स अभी आएंगी और पानी पी लेंगी सभी बर्ड्स। और अभी हम केज के अंदर मटकी में भी ध्यान देंगे। हेलो गाइस, कैसे आप सब? ठीक है? तो आइए दोस्तों, हमारे बर्ड्स के केज के अंदर से हम बर्जीज को बाहर निकालते हैं। आइए चलते हैं के बर्ड्स के केज की ओर। आइए दोस्तों, चलते हैं और बर्ड्स हमने निकालनी है। जो बेबी बर्जीज हमें निकालना है वो निकाल लेते हैं दोस्तों हम। यहाँ तो दोस्तों ऊपर वाली मटकी के अंदर 3 है और नीचे में भी 3 है। अभी हम निकाल लेते हैं और बर्जीज जो है उधर चले गए हैं। चलिए दोस्तों, हम बर्ड निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने बर्ड को निकाल लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी दिख रही है। और दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी भी हो गई है और इसकी चोंच भी बड़ी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, आपको दिख रही होंगी ये। दोस्तों, अभी ये उड़ना नहीं सीखी है, कुछ दिन में ये उड़ने लग जाएंगी। उसके पहले हम रोज़ इसे डेली निकाल के हैंड टेम कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसे निकाल लिया था और आप लोग देख सकते हैं ये मेरे शर्ट के ऊपर बैठी हुई है। दोस्तों, हम ये वाली बर्ड को डेली निकालते हैं क्योंकि ये हैंड टेम हो जाए। हम सोच रहे हैं कि इसे हैंड टेम कर ले ताकि ये उड़ पाए और उसके बाद भी हम इसे उड़ने के बाद भी बाहर निकाल पाए, इस वजह से। चलिए दोस्तों, अब इसे रख देते हैं हम हमारे बर्ड्स के केज के अंदर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।